खबर उत्तराखंड के हरिद्वार लक्सर से है। जैसे जैसे सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तंबू लगाकर रह रहे कबीले व असहाय लोगों को सर्दी से बचाव करना काफी मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे ने ऐसे गरीब व असहाय लोगों को कंबल वितरण करने का अभियान शुरू किया, जिसके चलते भावना पांडे ने रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश व लक्सर क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, बस अड्डे व तंबू लगाकर रह रहे करीब असहाय लाचार लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। वहीं भावना पांडे ने रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश व लक्सर क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, बस अड्डे व चौराहों पर अलाव के लिए लकड़ियां भी वितरण की, जिससे स्थानीय लोग व आने जाने वाले राहगीर ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले सकें और सर्दी से राहत पा सकें। वहीं हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे ने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके द्वारा रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश व लक्सर क्षेत्र में लगभग 2000 से भी ज्यादा गरीब, निर्धन, असहाय व विकलांग लोगों को कम्बल वितरण किए गए हैं। मैं प्रयास कर रही हूँ, 2 दिन हो गए मुझे रुड़की, पिरान कलियर और आपका लडोरा और आज लक्सर। तो मैं आप लोग के माध्यम से नेताओं को नसीहत देना चाहती हूँ। होर्डिंग में देखो जरा, मेरे सर के ऊपर ही इतनी फोटो इनकी है, 25-25 30-30 लोगों की फोटो लगा के घूमते हैं। अगर एक आदमी भी एक दिन की जिम्मेदारी ले ले तो लोगों की ठंड वैसी खत्म हो जाएगी। अपने लिए तो ये हीटर की व्यवस्था करते हैं, आजकल वो वाला हीटर लगा रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन मिलता रहता है, मतलब 2-2, 3-3 तरह के इनके पास हीटर है। और जनता परेशान है, आज चाहे शहर किनारे हो, ये बाला वाली किराए पर मैं लक्सर में हूँ और जनता की कोई परवाह, अभी वोट मांगने आएंगे तो उसके बाद जितनी भी नगर निगम में लकड़ियाँ आती हैं उसको भी बेच के खा जाते हैं, ये राशन तो जनता का खाते खाते हैं और लकड़ी बेच के खाते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, मैं आज जब आई थी लक्सर में 2-3 पुलिस वाले थे, एक लकड़ी का इतना टुकड़ा नहीं था। तो जब इनको खबर लगी कि भावना पांडे लक्सर में घूम रही है, लकड़ी बांट रही है, लंडरों से रिपोर्ट मिली, तो उसके बाद निगम की गाड़ी आ रही है, बिल्कुल खत्म, राख राख थी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।